हेलो। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, हम लोग का नियोजन स्थगित हुआ पड़ा है सर। हम लोग परेशान है 3 साल सर, तो हम लोग का नियोजन करवाइए ना सर। कितना परेशान है सर हम लोग अभ्यर्थी बिहार के लाखों। सर, हाँ भाई, तो हो रहा है जी, हो रहा है जी, हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हर बार कोर्ट से स्टे लग जाता है, सरकारी वकील कोर्ट में जाता नहीं है सर, बात ही रखता है। हम लोग का जीवन बर्बाद हो रहा है सर, क्या करें हम लोग सर, बताइए। नहीं, इसका उपाय हो रहा है। नहीं, आप तो कहाँ हो थोड़ा रहा है सा एक सर, बार महाजन जी का नंबर पता करके उनसे जरा बात कर लीजिए। एक चीज बताइए, चुनाव समय पे हो सकता है सर, नियोजन समय पे नहीं हो सकता सर? अरे भाई ठीक है, सब होगा, लेकिन अब क्या क्या करें, कुछ मजबूरी सर, आ जाती है कोर्ट वगैरह का। हम लोग तो आप ही के राज्य के निवासी हैं सर, कितना शर्म महसूस होता है बिहार के अभ्यर्थियों के नाते सर। और राज्य का नियोजन नहीं, होता है सर, हम लोग भुखमरी की कगार पे आ चुके हैं, अभ्यर्थी आत्महत्या कर रहे हैं सर, सुसाइड कर रहे हैं सर, क्या करें सर? सर, धैर्य कितना रखो सर, आप। 2011 से 10 साल से सच रख रहे हैं सर, कितना रखे सर, कितना उम्मीद आप लगाए रखे हैं सर, बताइए। घर में सही खाने बात को है, दो सही रोटी बात अनाज नहीं हमारे हमारे पास सर। आप शिक्षा मंत्री हमारे है राज्य के हैं सर, आपको थोड़ा सा होना चाहिए कि हमारे बिहार के लाखों युवा भाई, अभ्यर्थी। तुम्हारी बात सब हम लोग को प्रधान सचिव से होती है, और प्रधान सचिव ने कहा है कि भाई कोर्ट का मामला आ गया, इसका हम लोग निदान कर रहे तो हैं। सर, कोर्ट के लिए आप कोर्ट में और प्री ऑर्डर लगाइए, कोर्ट से परमिशन लीजिए, डबल बेंच में चैलेंज कीजिए स्टे को सर। बहाली तो हो के रहेगी सर, अगर आपकी इच्छा होगी तो हाँ बहाली क्यों नहीं हाँ होगी सर? अगर इच्छा नहीं तो बहाली तो ये कभी हो होगी रहा नहीं है, सर, क्यों कैसे? हो रहा है, हो रहा है।